तिहाड़ से आजाद हुए मनीष सिसोदिया बाहर आकर किया बाबा साहब का जिक्र। मनीष सिसोदिया से मिलकर भावुक हो गए सीएम केजरीवाल के माता और पिता। मनीष सिसोदिया की आजादी पर आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद वो देर शाम तक वहीं पर रहे। यहां पर उन्होंने केजरीवाल की माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। बच्चों से जब मिले तो भावुक हो गए, उन्हें गले लगा लिया। कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके परिवार से मिलते हैं। परिवार से मिलने के साथ साथ वहां पर जो आम आदमी पार्टी के खास नेता, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। ये सारी मुलाकातें केजरीवाल के घर पर होती हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं जेल से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने। जब से आदर आया सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आते निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूँ तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर क्या कुछ कह रही हैं मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी। आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। आगे फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।